सत्याकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है बहत्तर हूर मीन 72 एंजल्स, जो कि जन्नत में जाके मिलेंगी। ये तो स्टोरी हम सब लोगों ने सुनी हुई है कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी जो नेक इंसान होंगे जो जन्नत में जाएंगे। और तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल मैं पढ़ देती हूँ, ये है 72 हूर जन्नत काफिर सऊदी मजार पाक पत्रकार के लपेटे में भारतीय गवार। ओके, सो 72 एंजल्स और जन्नत और काफिर और सऊदी और मजार, तो ये सब हैं। थोड़ा सा हिंदी रीडिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, बट इट्स ओके, उसे इग्नोर कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि ये जो वाकया है, एक भारतीय गवार उन्होंने लिखा है। पाकिस्तान की एक लेडी हैं जिन्होंने, जो इंडिया के आई गेस मौलाना हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने फिर इस वीडियो में 72 हूरों के बारे में क्या बताया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुसलमान जन्नत में कभी ना कभी जरूर जाएगा, काफिर जो गैर मुस्लिम है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? ये मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो। कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। और तो जो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों में ज्यादा फर्क नहीं है। मुसलमान हमेशा कुरान का हवाला देकर आगे बढ़ते रहते हैं और कुरान में ही लिख दिया गया है कि एक भी शब्द, एक भी फुल स्टॉप बदलने लायक नहीं है। कुरान में जो लिख दिया गया है उसको शब्द सह मानना होगा। और जब इसी बातों को पढ़कर आदमी बड़ा होता है तो उसकी विचारधारा को बदलने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन खतरा जब है जब अपनी मानसिकता को वो आने वाली पीढ़ी पर एकदम थोप देंगे और आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार के माइंड सेट की हो जाएगी। इस वीडियो में आप देखेंगे, पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने हमारे देश के साजिद रजवी का एक इंटरव्यू लिया है। ये वही साजिद रजवी हैं जिन्होंने राम मंदिर का फैसला आने के बाद कहा था कि 50 से 100 साल के बाद जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लेंगे। इस प्रकार के माइंडसेट के आदमी का जब आरजू काजमी ने इंटरव्यू लिया तो बड़ा इंटरेस्टेड इंटरव्यू हो गया। दोस्तों, ये पूरा वीडियो बड़ा लंबा था, इसकी एडिटिंग करके आप तक पहुंचाया गया है। इसको पूरा देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में सवालों के जवाब एकदम कट टू कट हैं। उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बड़ा मजेदार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, ये दोनों मुल्कों के जो मुसलमान हैं, ये बाकी कंट्रीज से हमें अलग से क्यों नजर आते हैं? क्योंकि बाकी जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम उम्मा जिसे हम कहते हैं, वहां पे इस किस्म की बातें नहीं होती कि हम एक दूसरे को काफिर करार दे दें, हम अगर कोई मजहब बदलना चाहे तो उसको जान से मारने की धमकियां मिल जाएं, या इस तरह की कोई चीज हम नहीं देखते जो हम इन दोनों मुल्कों के मुसलमानों को देखते हैं। ये इतने ज्यादा अग्रेसिव मुस्लिम्स आपको इन दोनों कंट्रीज में क्यों नजर आते हैं? उसकी दो वजह है। एक वजह है दीन से दूरी, क्योंकि हमने इस्लाम को सही पढ़ा नहीं, इस्लाम को अपनी जिंदगी में हम लाए नहीं। दूसरी वजह है सियासत। मुसलमान सिर्फ जन्नत में जाएंगे और बाकी कोई नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो और चाहे कोई मुसलमान कितना भी बुरा इंसान हो। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं जी, सिर्फ रिलीजन की बेस पे जो है वो जन्नत मिलेगी, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये इस किस्म की बातें कब से शुरू कर दी हम लोगों ने, और इसकी क्या मतलब, क्या आप समझते हैं कि क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें दो चीजें। एक चीज तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन قال لا اله الا الله فدخل الجنه, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया वो जन्नत में जरूर जाएगा। मुसलमान जन्नत में कभी ना कभी जरूर जाएगा, चाहे वो अपनी अमाल की सजा भुगतने के बाद ही सही। काफिर जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया,
वो जन्नत में नहीं जाएगा। आप बता रहे हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे ना वो जन्नत में जाएंगे, और चाहे वो जितने मर्जी अच्छे इंसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुसलमान जाएंगे। तो जो दरगाहें हैं, जो हमारे यहाँ की जो होते हैं मजार होते हैं, उस पे तो हिंदू भी बहुत ज्यादा जाते हैं इंडिया में तो, स्पेशली पाकिस्तान में शायद इतना ना हो रिवाज, क्योंकि हमने तो खैर माइनॉरिटी को इतना छोड़ा ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा जाते। तो आपके ख्याल से अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छिपा चढ़ाना, कब्र पे जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। जो लोग मुसलमान करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं। लोग कब्र परस्त हैं, जो कब्र की पूजा करते हैं, जो कब्र पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं उन लोगों को बुरा समझता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई चीज, देखिए अगर कब्र पूजने की चीज होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुअज्जज हमारे लिए कोई भी नहीं है, सहाबा कराम से ज्यादा मुअज्जज हमारे लिए कोई भी नहीं है। हम उनकी कब्रों को पूजते, जब उनकी कब्रों को हम नहीं पूजते तो आगे जो पीर फकीर हैं उनकी कब्रों को पूजना कहां से जायज हो गया? मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि वो हदीसों पे यकीन नहीं रखते और उनको शक है कि इस तरह की कोई बात की गई है, और उन्होंने इस्लाम में रिफॉर्म की भी बात की। तो आपके ख्याल से कोई रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम के अंदर, और हदीस की जो उन्होंने बात की, क्या आप उस बात से मुत्तफिक हैं कि वाकई में उन हदीसों पे हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि कई उसमें से गलत भी हैं बकौल उनके, क्राउन प्रिंस के? ये मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो। वो कैसे मुसलमान है जो शराब खानों की इजाजत दें? वो कैसे मुसलमान है जो तवाइफों को नाचने की इजाजत दें? वो कैसे मुसलमान है जो मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत दें? अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे मुसलमानों से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कुर्बे कयामत की निशानियां हैं, ये कुर्बे कयामत की निशानियां हैं कि मदीने के अंदर या मक्के के अंदर सिनेमा घर खुले, शराब खाने खुले, जुआ खाने। और मेरे सुनने में ये आया है, कहां तक सच है कहां तक झूठ है, कि वो एक ऐसी सिटी, एक ऐसा शहर भी बनवा रहे हैं जहां इस्लामिक लॉ नहीं चलेगा, वहां वो जमहूरी होगा, यानी वहां आदमी सिर्फ अय्याशी करने जाएगा, हर आदमी वहां अय्याशी करेगा, कोई भी जा सकता है, सऊदी हो, बाहर का हो। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को मुसलमान कैसे कहा जाए? लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरे मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरे मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी, मौजूद है, मौजूद है इंटरनेट पे। मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए, उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है, तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है, सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे, और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों, मतलब ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जहां पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? आप हदीस को मत मानिए, चलिए नहीं मानिए, कुरान को तो आप मानेंगे। कुरान में कहां जायज है शराब? कुरान में कहां जायज है जुआ? कुरान में कहां जायज है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना, कहां जायज है मुझे बता दीजिए? कुरान में कहां जायज है कि औरतें जो है बुरका छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं? दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको बुरा मानते हैं,
मैं यहूदी को बहसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूँ क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है, जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीजें उसको समझ में नहीं आई। आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपके आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आप आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देख मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरे और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों अच्छा, को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए, क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शोहर, अगर शोहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शोहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। अच्छा, और आप लोग 72 हूरे लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी, तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी है। तो जाहिर सी बात है मौलाना जी तो इस बात का जवाब नहीं दे सकते थे कि जो वीमेन हैं उनके लिए अट्रैक्शन क्यों नहीं रखा गया है जन्नत में। जैसे कि आरजू इसमें बोल रही थी कि हमारे लिए भी तो कुछ वहाँ पे अट्रैक्शन रख दीजिए, ताकि हम लोगों को भी जन्नत का वो एक होता है ना कि हम लोगों को भी लालच आए कि हम भी जन्नत में जाएं। तो मौलवी जी तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि मौलवी जी कुरान में कुछ अमेंडमेंट करेंगे, बिकॉज कुरान को तो अब कुछ उसका एक भी लफ्ज़ कोई चेंज नहीं कर सकता है, और जो पहले से लिखा हुआ है उसमें औरतों के लिए यही लिखा है कि उन्हें उनके हस्बैंड ही मिलेंगे जाके जन्नत में, अगर हस्बैंड ने भी अच्छे काम किए हैं और वो जन्नत चले गए तो वहाँ पे उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड ही साथ में रहेंगे, बट आदमी को डेफिनेटली 72 हो रहे तो मिलेंगी मिलेंगी। तो मैं इसके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ कि अब बेचारे मौलवी जी क्या कर सकते थे। बेचारे मौलवी जी भी वही बोल रहे थे कि मतलब मुझसे मत पूछिए, आप अल्लाह से पूछिए कि उन्होंने औरतों के लिए वहाँ पे कुछ क्यों नहीं रखा है। आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी, बाय बाय।